अस्सलाम वालेकुम मेरी भाभी। होप यू आर डूइंग फाइन। कल हमने जो है वो पीआईडी कंट्रोलर का लेक्चर स्टार्ट किया था एंड वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट कंट्रोलर मोड। यूजुअली पीआईडी जो है इट इज यूज्ड इन वन ऑफ दिस थ्री। यहाँ पे जो थ्री है, आइदर इट इज यूज्ड एज अ पीआई कंट्रोलर, आइदर इट इज यूज्ड एज अ पीडी कंट्रोलर, आर्ट इज यूज एज पी आई डी कंट्रोलर कम्बाइंड। तो आइदर इट इज यूज एज अ पी आई कंट्रोलर, इट इज ऑल्सो यूज एज अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर अलोन, प्रोपोर्शनल पी आई पी डी एंड पी आई डी। ये इसके चार वेरियंट्स हैं पी आई डी कंट्रोलर के एंड ईच ऑफ दीज वेरियंट हैज यू नो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग द सिस्टम जो यहाँ पे समराइज है। आप इंडिविजुअली अगर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस कॉलम शोज दी क्लोज लूप रेस्पॉन्स, सी एल यहाँ पे जो है दैट इंडिकेट इट्स अ क्लोज लूप रेस्पॉन्स। इट्स अ क्लोज लूप रेस्पॉन्स, ये राइज टाइम को शो कर रहा है, ये हुआ टाइम को, ये सेटलिंग टाइम को, ये स्टेडी स्टेट एरर को। और ये प्रोपोर्शनल गेन है, ये इंटीग्रल गेन है, ये डेरिवेटिव गेन है। इट मीन्स के पी अगर आप इंक्रीज करें तो क्या होगा, इस रो में आप देख सकते हैं ये राइज टाइम के साथ राइज टाइम डिक्रीज होगा। तो इट मीन्स स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स जो है वो इम्प्रूव होगी, वो फास्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत सिस्टम, लेकिन ओवरशूट इंक्रीज होंगे। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि आप एरर को एम्पलीफाई करेंगे तो ओवर रिएक्शन होगा, ठीक है। थोड़ी सी भी एरर होगी तो वो जारी बात है एम्पलीफाई होकर जब प्लांट को मिलेगी तो वो उसका रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस इट वुड ओवरशूट। तो के पी से स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स तो इंक्रीज हो रही है लेकिन ओवरशूट आते हैं, ठीक है। सेटलिंग टाइम पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि ओवरशूट आएंगे, और स्टेडी स्टेट एरर थोड़ी डिक्रीज होगी, स्टेडी स्टेट एरर कम होगी। बट ये के पी जो है या प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो है दिस इज फॉर प्रोपोर्शनल पार्ट। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है, ठीक है, लेकिन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में ओवरशूट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्टेडी स्टेट एरर को डिक्रीज करेगा। देन के आई कंट्रोलर जो जो इंटीग्रल पार्ट है के आई डी कंट्रोलर का, उसकी गेन को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो राइज टाइम डिक्रीज होगा, अगेन इट वुड इम्प्रूव द स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स, ओवरशूट इंक्रीज होंगे। ऑब्वियसली जब आप राइज टाइम आपका डिक्रीज होगा तो ओवरशूट इंक्रीज होते हैं, दैट दैट इज यू नो यू कैन से कि बाय वन गेट वन वाली ऑफर है। एंड सेटलिंग टाइम इंक्रीज होगा, बट स्टडी सेट एरर जो है दैट वुड बी दैट कैन बी इलिमिनेटेड कंप्लीटली। यहाँ पे कंप्लीटली इलिमिनेट आप नहीं कर सकते तो, ठीक है, यू कुड हैव यू कुड डिक्रीज इट बट यू कैन नॉट इलिमिनेट इट। इट डजन हैव द कैपेसिटी टू इलिमिनेट इट। इंटीग्रल कंट्रोलर हैज द कैपेसिटी टू इलिमिनेट दिस स्टेडी स्टेट एरर। एज आई टोल्ड यू सर, इंटीग्रल कंट्रोलर इज बेसिकली वन अपॉन एस, एस डोमेन में इंटीग्रेशन वन अपॉन एस होती है। तो यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग द टाइप नंबर, एंड आपको पता है कि हमने डिस्कस भी किया था टाइप नंबर आप इंक्रीज करते जाते हैं तो स्टेडी स्टेट एरर उसकी कम हो जाती है। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज यूज टू इम्प्रूव द टाइम रेस्पॉन्स, स्पीड ऑफ द रेस्पॉन्स। इंटीग्रल पार्ट जो है वो स्टेडी स्टेट एरर के लिए यूज होता है मेनली, ठीक है, बाकी उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये वाले। एंड द डेरिवेटिव कंट्रोलर जो है ओवरशूट को डिक्रीज करता है, इट इट हैज द कैपेसिटी टू डिक्रीज द ओवरशूट बिकॉज इट क्रिएट इट इज एक्टिव ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो रेट ऑफ चेंज से काम करता है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट जो है या एरर का जो रेट ऑफ चेंज है एंड दैट इज हाईएस्ट ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट, राइट। तो उस पे वो एक्टिव होता है और जैसे ही स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो आउटपुट कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, एरर कांस्टेंट हो जाती है अगर है तो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे ही जीरो होता है, तो दैट पोर्शन इज ओनली एक्टिव ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट, राइट, अदरवाइज आउटपुट जीरो। स्टेडी स्टेट में क्योंकि कांस्टेंट बताया सिग्नल तो स्टेडी स्टेट सॉरी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, तो ये स्टेडी स्टेट में इनएक्टिव है ऐसे समझो। ये सिर्फ एक्टिव होता है जब ट्रांजिएंट है या वेरिएशन आ रही है या डिस्टर्बेंस कोई आ जाए।
केपी से स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स अगर आपको बढ़ाना है, सिर्फ आप स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स बढ़ाना चाहते हैं, आप किसी और चीज को नहीं देख रहे, तो केपी को आप इंक्रीज करें। इफ यू वांट टू इलिमिनेट द स्टडी स्टेट एरर, केआई को इंक्रीज करें। एंड इफ यू वांट टू डिक्रीज द ओवरशूट, केडी को इंक्रीज करें। ठीक है, तो तीनों को कंबाइन करके हम ऑप्टिमम रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं यूजिंग पीआईडी कंट्रोलर। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली यू कैन नॉट ऑब्टेन ऑलवेज द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। ऑप्टिमम रिस्पॉन्स इज डिफरेंट देन द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, राइट? समटाइम्स जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं कोई चीज, तो देर इज यू नो डिजाइन ट्रेड ऑफ, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि एक, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको हम एलिमिनेट करने के लिए कम्प्लीटली के आई आप बढ़ाते जाएंगे, तो एज ए कॉन्सिक्वेंस ओवरशूट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में थोड़ा फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कि हाउ मच ओवरशूट यू कैन विथस्टैंड, यू कैन अलाउ इन द सिस्टम, एंड हाउ मच स्टडी स्टेट एरर यू नीड इन द सिस्टम, प्लीज कितनी आपको मिनिमाइज करनी है। कम्प्लीटली इसको मिनिमाइज करते करते ऐसे ना हो कि ओवरशूट बहुत ज़्यादा हो जाए एंड योर सिस्टम जो है वो ट्रांजेंट में ही फॉल्ट आ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो दिस इज द समरी इन 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 अदर वर्ड, पीआईडी का जो चार्ट है इसको देख के आप ट्यूनिंग करते हैं, और इसी को देख के ही आप पीआईडी कंट्रोलर के कंपोनेंट यूज करते हैं। इसमें हमेशा हम पीआईडी यूज नहीं करते हैं। अगर आपको सिर्फ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मूव करना है तो पीडी कंट्रोलर यूज करें। ठीक है, आई यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको जैसे आप लीड कंपनसेटर यूज करते हैं ना, लीड कंपनसेटर का जो नाम एनालॉगस है यहाँ पे वो पीडी कंट्रोलर है। लीड कंपनसेटर ने डिजाइन किया था वो जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इंप्रूव कर रहा था, यहाँ पे पीडी कंट्रोलर वो करेगा। इसी तरह अगर आपको सिर्फ स्टेडी स्टेट एरर इंप्रूव करनी है तो आप पीआई कंट्रोलर यूज करें, डी यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड इट्स सेम लाइक द लैग कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर भी सिर्फ स्टेडी स्टेट के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको दोनों इम्प्रूव करना है फिर आप पी आई डी यूज करेंगे, एंड इट इज लाइक अ लैग लीड कंपनसेटर, राइट? बट मच सिंपलर। अब हम ट्यूनिंग रूल्स का डिस्कस करेंगे। पी आई डी ट्यूनिंग रूल्स जो है वो बहुत सारे हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर ट्यूनिंग द पी आई डी कंट्रोलर। इवन इवन नाउ अ डेज सम मेथड्स आर अवेलेबल व्हिच आर बेस्ड ऑन यू नो फजी एंड लर्निंग सिस्टम्स एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज करके पी आई डी को ट्यून किया जाता है उसको अडाप्टिव बनाने के लिए। लेकिन ये सारे जो मेथड्स हैं दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन जो आज अभी हम दो मेथड डिस्कस करेंगे, दीज आर कॉल्ड जिगलर एंड निकोल्स ट्यूनिंग रूल। ये पी आई डी का ट्रांसफर फंक्शन है, कल हमने ड्राइव किया था। इसमें बाकी सारी चीजें तो फिक्स हैं, तो मैथमेटिकल मॉडल फिक्स होता है। ओनली ट्यूनेबल पैरामीटर्स ये हैं, के पी जो प्रोपोर्शनल गेन है, के आई एंड के डी। ये तीन गेन पैरामीटर्स हैं जो ट्यूनेबल हैं। इनकी इनकी वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं दैट मेथड इज कॉल्ड द ट्यूनिंग ऑफ पीआईडी कंट्रोलर, फाइन? हम इसके लिए डिजाइन का मेथड यूज नहीं करते, ऑल्दो इट इज अ डिजाइन, लेकिन ट्यूनिंग का मेथड इसलिए कि ये इसके पोल जीरो फिक्स है, राइट? ओनली गेन पैरामीटर्स नीड टू बी एडजस्टेड। देयरफॉर वी इंस्टेड ऑफ डिजाइनिंग जैसे हम कर रहे थे डिजाइन ऑफ लीड कंपनसेटर, डिजाइन ऑफ लैग कंपनसेटर, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ट्यूनिंग ऑफ पीआईडी कंट्रोलर। बट दिस दिस इज डिजाइन मेथड। इसको आप समटाइम्स वी सिंप्लीफाई दिस ट्रांसफर फंक्शन या इस फॉर्म में लिखते हैं, कभी कहीं पे ये आपको इस फॉर्म में नजर आएगा, या कहीं हम क्या करते हैं के पी को कॉमन निकाल देते हैं। के पी को अगर आप कॉमन निकालेंगे तो ये वन हो जाएगा, और के आई अपॉन के पी वन अपॉन टी आई के बराबर हो जाएगा, और के डी अपॉन के पी टी डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये टी आई जो है इट इज कॉल्ड इंटीग्रल टाइम, एंड टी डी इज कॉल्ड डेरीवेटिव टाइम, और के पी जो है इट इज प्रोपोर्शनल गेन। तो ये वाला जो ट्रांसफर फंक्शन है अक्सर अगर आप मैटलैब वगैरह यूज करेंगे तो उसमें इंस्टेड ऑफ के आई एन के डी यू हैव टी आई एन टी डी। ठीक है, या कहीं पे आप लैब में शायद लैब जब परफॉर्म करें आप, तो वहाँ पे अगर पड़ा हो पी आई डी कंट्रोलर तो वहाँ पे भी अगर ट्यूनेबल पैरामीटर होंगे तो एक एक ट्यूनेबल पैरामीटर के पी होगा, दूसरा टी आई एन टी डी होगा। पर सेम थिंग ये रिलेशनशिप यूज करके इसको हमने इस तरह भी कर लिया, क्योंकि
प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो है वो तो एक गेन है, लेकिन इंटीग्रल जो है इट इज ओवर द टाइम होता है, ठीक है। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ गेन, टाइम इज द बेटर यू नो पैरामीटर एज फार एज द फिजिकल रियलाइजेशन इज कंसर्न, ठीक है। टाइम मीन्स कि कितने टाइम लेंथ के लिए आप इंटीग्रल ले रहे हैं, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ इंटीग्रल, द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। सिमिलरली व्हाट इज द इंटरवल ऑफ डेरिवेटिव, तो उस ये मतलब वहां से आप टाइम पैरामीटर्स आर बेटर फॉर इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव एंड गेन पैरामीटर इज बेटर फॉर प्रोपोर्शनल। देयरफॉर हमें फिजिकल रियलाइजेशन इसकी वजह काम आ जाती है, तो हमने इसको रीराइट कर दिया एट दिस फॉर्म। अब ये कि टोपोलॉजी है, हम कल भी डिस्कस की थी, कैस्केड कंपनसेशन मेथड से ये यूज होता है, मींस योर प्लांट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद योर पीआईडी कंट्रोलर, और जैसे हमने कंपनसेटर्स लगाए थे दूसरे ले कंपनसेटर या ले वो भी सीरीज में लग रहे थे, ऑल्दो देयर आर मेथड्स अवेलेबल इन व्हिच देयर डिफरेंट टोपोलॉजीज आर यूज्ड, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। अब पीआईडी ट्यूनिंग एज आई टोल्ड यू सिलेक्शन ऑफ द पैरामीटर्स ये पीटीआईटीडी इज कॉल्ड द ट्यूनिंग मेथड। अब ट्यूनिंग मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन जिगलर एंड निकोल जो है ट्यूनिंग मेथड दे आर एक्चुअली फंडामेंटल और दूसरे उससे ड्राइव होते हैं। जिगलर एंड निकोल सजेस्टेड रूल फॉर ट्यूनिंग पीआईडी कंट्रोलर एक्सपेरिमेंटली। अब ये जो मेथड्स हैं दीज आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल मतलब फार्मूला है रादर देन एनी एनालिटिकल सोल्यूशन विच आर यूजफुल व्हेन मैथमेटिकल मॉडल्स आर नॉट नोन नॉट नोन। ये हमने कल डिस्कस किया था कि पीआईडी कंट्रोलर की जो पॉपुलैरिटी है वो ये है कि इट कैन बी यूज इवन इफ यू डू नॉट नो द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम, ठीक है। आप पीआईडी कंट्रोलर उसके लिए भी ट्यून या डिजाइन कर सकते हैं। अब लीड कंपनसेटर आपको जब तक प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन पता नहीं होगा, उसका रूट को कैसा ड्रॉ नहीं करेंगे, तब तक कंपनसेटर डिजाइन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन लीड जो पीआईडी कंट्रोलर हैज द एडवांटेज के आप यू कैन यूज इट फॉर एनी काइंड ऑफ प्लांट इवन इफ यू मैथमेटिकल मॉडल। एंड ये जो रूल्स हैं ये अप्लाई होते हैं व्हेन व्हेन यू हैव द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। आपके पास मैथमेटिकल मॉडल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यू हैव रिकॉर्डेड द रिस्पांस। आप एक्सपेरिमेंटली सिस्टम को इनपुट अप्लाई करते हैं, फिर आउटपुट मेजर करते हैं, और इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप से आप पीआईडी कंट्रोलर ट्यून करते हैं, ठीक है। बट ऑफ कोर्स दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इफ द मैथमेटिकल मॉडल इज नोन। मैथमेटिकल मॉडल पता है फिर तो बड़ी आसानी से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपको मैथमेटिकल मॉडल पता नहीं है या आप मालूम नहीं करना चाहते तो आप जो है वो एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं, जो कि आप लैब में परफॉर्म करेंगे होपफुली इन द नेक्स्ट वीक। पीआईडी ट्यूनिंग रूल्स जो है दे आर यूज बट यू नो ये मेथड हम जो यूज करेंगे क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है या एम्पेरिकल इसको हम फार्मूला कहते हैं वो हैं, तो मे बी यू नॉट गेट द एक्यूरेट आंसर, 100% एक्यूरेसी आपको ना मिले, तो आपको फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है। तो जीगलर एंड निकोल ट्यूज गिव यू द इनिशियल वैल्यू ऑफ के पी टी आई एंड टी डी। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी एप्लीकेशन के लिए पी आई डी ट्यून करना है तो के पी टी आई एंड टी डी की वैल्यू जीगलर एंड निकोल मेथड से आपको मिलेगी, वो उसकी इनिशियल वैल्यू होगी। वहां से आपको फिर फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, ठीक है। जो मेथड से वैल्यूज मिलेंगी दैट दीज वैल्यूज वॉन्ट बी द फाइनल वैल्यू बट दीज इनिशियल गैस, इनिशियल गैस होगा और उस पर आपको फाइन ट्यूनिंग करके बेहतर बनाना पड़ेगा सिस्टम के रिस्पॉन्स को। अब ये जो मेथड्स हैं दे आर बेसिकली टू मेथड, लेट्स स्टार्ट विद दीज मेथड, बाकी भी आप खुद पढ़ सकते हैं। इनके अब दो मेथड्स हैं, जिगलर एंड निकोल्स ने जो मेथड प्रपोज किए थे दीज आर बेसिकली टू मेथड, एक एक को हम कहते हैं ओपन लूप मेथड and other method is called the closed loop method. Really? सर मेरा सर एक सवाल जी सर,
जब एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, इसका मतलब है कि हम सिस्टम के अंदर जो चीज फीड इन कर रहे हैं वो एरर है, और जो पीआईडी का ट्रांसफर फंक्शन निकलता है उसमें एरर डायनामिक्स की बेसिकली जो डायनामिकल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो एरर डायनामिक्स की इक्वेशन बनेगी। तो हमने एक दफा पहले पढ़ा था, तो रेफरिंग टू दैट एक चीज आपसे पूछने जा रहा हूँ कि अगर उसको हम इस तरीके से तो डिजाइन कर सकते हैं ना कि उसके जो डायनामिक्स हैं वो डाई आउट होकर जीरो पे चले जाए, तो व्हेन एरर डायनामिक्स डाई आउट होकर जीरो पे चले जाएंगे तो मेरा जो कंट्रोल वेरिएबल है वो अपने रेफरेंस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो मैं डिजाइनिंग से काम नहीं कर सकता, तो मुझे ट्यूनिंग करने की क्या जरूरत है? मतलब सवाल यही। आपको पीआईडी को ट्यूनिंग करने की जरूरत क्यों है, ये पूछ रहे हैं आप? जी सर, जी सर, हाँ, बिकॉज गिवन द अगर फैक्ट, प्रॉपरली ट्यून नहीं करेंगे तो इट हैज द टेंडेंसी टू डिस्टेबलाइज द स्टेबल सिस्टम। ठीक है, आप ऐसे ही पीआईडी लगा दें रैंडम वैल्यू से, केपीटीआई एनटीडी की, तो इट इज नॉट नेसेसरीली कि हमेशा एरर कन्वर्ज होगा। इट कैन यू नो डिस्टेबलाइज द स्टेबल सिस्टम, इट हैज द टेंडेंसी, पर्टिकुलरली जो इंटीग्रल कंट्रोल है ना, ये बड़ा खतरनाक है। इसको अगर प्रॉपरली आप इसकी गेन, मतलब समटाइम्स इट हैपेंस के टी आई जो है वो फ्रैक्शनली भी इंक्रीज करते हैं तो वो उसको जो है वो डिस्टेबलाइज कर देता है, बिकॉज टी आई इज इंटीग्रल पार्ट इज बेसिकली यू आर एडिंग अ पोल एट ओरिजिन, राइट? यू आर शिफ्टिंग द रूट लोकस, यू आर पुलिंग द रूट लोकस टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट राइट एंड साइड। जब आप ओरिजिन पे पोल ऐड करते हैं ना तो आपका रूट लोकस पुल होता है टुवर्ड्स राइट ऑफ लाइन, टुवर्ड्स इंस्टेबिलिटी, राइट? ये आप एक्सपेरिमेंट जो है करके देखिएगा कि यहाँ पे मैं थोड़ा ड्रॉ करके आपको बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल अपनी स्क्रीन को मैं थोड़ा खाली कर दूं, ये ठीक है। दो सिस्टम का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक सिस्टम है 1/(s)(n+1), ठीक है, सॉरी, और दूसरा सिस्टम है 1/(s)²(n+1)। इसमें ये प्लान था, इसमें हमने इंटीग्रल कंट्रोल लगा दिया, ठीक है। अब इसका रूट लोकस क्या होगा? 1/(s)(n+1) खाली, इसका रूट लोकस ये होगा, ठीक है, वर्टिकल लाइन 0.5 -0.5 है, और इसका रूट लोकस क्या होगा? ये इधर लेफ्ट हैंड प्लेन में चला, राइट ऑफ प्लेन में चला जाएगा। तो जब आप इंटीग्रल कंट्रोल यूज करते हैं ना, ये वाला रूट लोकस इसमें हमने इंटीग्रल कंट्रोल ऐड किया, ठीक है, पी आई लगा दिया हमने इसमें, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी। तो आप देखें ये रूट लोकस फुल हो रहा है टुवर्ड्स द राइट ऑफ प्लेन, ये मैटलैब पे आप करके देखिएगा। तो इंटीग्रल कंट्रोल आप ऐड कर रहे हैं सिस्टम में तो यू आर एक्चुअली कंप्रोमाइजिंग ऑन द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल कि जब गेन सिलेक्शन करेंगे आप, पर्टिकुलरली इंटीग्रल गेन या प्रोपोर्शनल गेन, वो इतनी ज्यादा ना हो कि रूट लोकस जो राइट ऑफ प्लेन में जिन वैल्यूज पे आप जा रहे हैं ना गेन की, तो वो वैल्यूज ना हो। दैट इज वाई वी नीड ट्यूनिंग। ट्यूनिंग का मकसद यही है कि वो गेन की वैल्यू सिलेक्ट करें जहाँ पे परफॉर्मेंस आपको बेहतर मिले, ना कि परफॉर्मेंस आपको मिले। तो आपको इसलिए ट्यूनिंग करनी पड़ती है आपको सिस्टम को डिराइव, इवन दो यू नो द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द पीआईडी कंट्रोलर, बट स्टिल यू नीड टू फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ केपीटीआई एनटीडी, ठीक है, क्योंकि पीआईडी कंट्रोलर पर्टिकुलरली इंटीग्रल कंट्रोल हैज द टेंडेंसी टू डीस्टेबलाइज द सिस्टम एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आई होप के आंसर आपको मिल गया होगा क्वेश्चन का। जी सर, थैंक यू। तो ये जो मेथड्स हैं, जिगलर एंड निकोल, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, दीज आर द मोस्ट पॉपुलर मेथड्स। इसके अलावा मेथड्स हैं जिसमें मैथमेटिकल मॉडल जो है ना वो नॉन होता है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड द ओपन लूप मेथड,
एंड सेकंड मेथड जो है उसको हम कहते हैं क्लोज लूप मेथड। एंड क्वाइट ऑब्वियसली ओपन लूप मेथड में हम जो है वो सिस्टम को ओपन लूप रिस्पॉन्स मालूम करेंगे, और क्लोज लूप मेथड में हम सिस्टम का क्लोज लूप रिस्पॉन्स मालूम करेंगे। अब ज़िगलर एंड निकोल्स का पहले हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। इन द फर्स्ट मेथड हम इसका स्टेप रिस्पॉन्स मालूम करते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने थर्मल सिस्टम लैब में किया है, थर्मल सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स मालूम किया है, शायद ये किया है ना आपने अली? थर्मल सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स किया है आपने लैब में? ओके वॉट एवर, तो प्लांट को आप स्टेप इनपुट अप्लाई करते हैं एंड स्टेप रिस्पॉन्स आता है। इफ द प्लांट इन्वॉल्व नाइदर इंटीग्रेटर्स नॉर डोमिनेंट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स, देन जो स्टेप रिस्पॉन्स आएगा वो ऑब्वियसली इस तरह आएगा, ठीक है। क्योंकि दो तरह के स्टेप रिस्पॉन्स होते हैं, बल्कि एक स्टेप रिस्पॉन्स जैसे ये आता है, ये स्टेप इनपुट है और ये आपका डैम्प ऑसिलेशन होती है, ठीक है। और एक जनरली स्टेप रिस्पॉन्स होता है जो बिल्कुल सुनिए इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह का रिस्पॉन्स आए तो इसका मतलब ये जो प्लांट है इसमें कोई पोल ओरिजिन पे नहीं है और ना ही इसमें कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पोल्स होते हैं तो सिस्टम अंडर डैम्प होता है, और अंडर डैम्प होता है तो इस तरह का रिस्पॉन्स आता है, इस तरह का नहीं आता, ठीक है। तो अगर प्लांट में कोई पोल ओरिजिन पर नहीं है और ना ही कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं तो इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, स्मूथ, राइट। इसको हम यूजुअली कहते हैं एस शेप रिस्पॉन्स, एस की तरह रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर थोड़ा आप गौर करें तो दैट इज काइंड ऑफ एस, राइट। तो ये एस टाइप रिस्पॉन्स आता है, और जब आपको वो रिस्पॉन्स मिल जाए, रिकॉर्ड हो जाए, तो आप उसको रिकॉर्ड करके you can you know find out the values of parameters L and T, L and T जो है इस पैरामीटर से आप K, P, T, I and T, G की वैल्यूज मालूम करते हैं, ठीक है। तो L and T मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि इन्फ्लेशन पॉइंट जो है ना वहाँ से क्रॉस करे। इन्फ्लेशन पॉइंट क्या होता है, जैसे आप S ड्रॉ करते हैं ना, एस का इन्फ्लेशन पॉइंट जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे आप ऐसे कर रहे थे, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो गई, तो दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन पॉइंट। इन्फ्लेशन पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो इस पॉइंट से गुजरे। अब ये जो टेंजेंट लाइन है ये यहाँ पे क्रॉस करेगी और दूसरा यहाँ पे क्रॉस करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रॉस करे तो फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट ये एल हो जाएगा, दैट इज L, represented by L, और फिर यहाँ से लेकर ये जो लाइन आप नीचे ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, ये जो है that is called the T, तो हम T कहते हैं, ठीक है। L ये lag time, T जो है इसका time taken by the system to reach 90% of the value, but you know there are different definitions from different books, so L and T आपको मालूम करने पड़ता है from the response जो आपने experimentally मालूम किया, ठीक है। तो दिस मेथड इट मीन्स दिस, अगर ये जो शेप है सिस्टम का ये इस तरह का ना आए, अगर सिस्टम का शेप रिस्पॉन्स जो है वो इस तरह आ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें तो इन्फ्लेशन पॉइंट है ही नहीं, राइट। तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड, यू कैन अप्लाई दिस मेथड ओनली व्हेन द शेप रिस्पॉन्स इज लाइक दिस। अगर शेप रिस्पॉन्स का एक्सपेरिमेंटली इस तरह नजर आता है या इस तरह है तो फिर आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज फर्स्ट मेथड वॉन्ट बी एप्लीकेबल। इन अदर वर्ड व्हेन देयर आर इंटीग्रेटर्स इन द सिस्टम या सिस्टम में कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। अगर आपको मैथमेटिकल मॉडल या ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम का पता है तो ट्रांसफर फंक्शन देख के आप बता सकते हैं कि फर्स्ट मेथड इससे एप्लीकेबल नहीं है, या अगर आपके पास आउटपुट का सिस्टम का रिस्पॉन्स है, मैथमेटिकल मॉडल नहीं है आपके पास, तो स्टेप रिस्पॉन्स देख के आप बता सकते हैं कि ये मेथड अप्लाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। So this method is applicable if the response is input exhibit an S-shaped curve, ठीक है, इस तरह का हो, otherwise you cannot. Such step response curves may be generated experimentally or from a dynamic simulation of the plant, ठीक है।
एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास मैथमेटिकल मॉडल है, मीन यू हैव द ट्रांसफर फंक्शन, या आपके पास उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, या कोई और किस्म का मॉडल है आपका, आपके पास जैसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मॉडल होता है या मुख्तलिफ किस्म के मॉडल होते हैं, तो अगर कोई भी आपके पास मेथड है, मॉडल है, तो आप उसका वो सिमुलेशन के थ्रू टेब रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। अब और ये टेबल आप यूज करेंगे, वंस यू नो द वैल्यू ऑफ टी एंड एल फ्रॉम द कर्व, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के पी टी आई एंड टी डी फ्रॉम दिस टेबल। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर डिजाइन कर रहे हैं तो के पी की वैल्यू पी अपॉन एल हो जाएगी, बाकी तो आपको टी आई इन्फिनिटी हो जाएगा और टी डी जीरो हो जाएगा। ठीक है, टी आई इन्फिनिटी होगा तो इंटीग्रल पार्ट खत्म हो जाएगा, टी डी जीरो होगा तो डेरिवेटिव पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, यू वुड ओनली गेट प्रोपोर्शनल गेन। अगर आप पी आई कंट्रोलर यूज कर रहे हैं तो 0.9 पी अपॉन एल के पी की वैल्यू होगी एंड एल अपॉन 0.3 पी आई की वैल्यू होगी, या अगर आप तीनों कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो इस टेबल को यूज करते हुए आप के पी पी आई एंड टी जी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। एंड दीज दीज ये जो वैल्यूज आई हैं, ये टेबल स्टेब्लिश किया है, ये कोई डेरिवेशन या मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, दिस इज यू नो दे हैव परफॉर्म्ड हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन द सिमिलर टाइप ऑफ प्लांट, मतलब उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जिसमें एस टेप करवाया आउटपुट पे ना, तो उन्होंने उसमें से देखा कि के पी पी आई की एवरेज वैल्यू क्या थी, तो वो यहाँ लगा दी। अब दीज वैल्यूज मे और मे नॉट गिव यू द एग्जैक्ट परफॉर्मेंस, बट एटलीस्ट ये होगा कि ये इनिशियल गेस होगा, ये आप इनिशियल वैल्यूज होंगी, फिर आपको फाइन ट्यूनिंग शायद करनी पड़े, क्योंकि अगर आपको इनिशियल गेस पता नहीं है तो यू वुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इट वुड टेक लॉट ऑफ ट्रायल्स एंड एरर्स टू फाइंड आउट एप्रोप्रिएट वैल्यूज। तो इनिशियल गेस आपको मिल जाता है, देन यू वुड नो कि एक्यूरेट वैल्यू जो है वो अराउंड समवेयर। ठीक है, ज्यादा आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सेकेंड मेथड जो है, सेकेंड मेथड इज कॉल्ड द क्लोज लूप मेथड। इन दिस मेथड पहले जो है हम इंटीग्रल पार्ट और डेरिवेटिव पार्ट को निकाल देते हैं, हम सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगाते हैं सिस्टम में। ठीक है, जैसे आपको ओपन लूप मेथड में क्या करते हैं कि आपका सिस्टम जो होता है प्लांट, ये ओपन लूप मेथड की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट मेथड का। ठीक है, उसमें आप सिस्टम को स्टेप रिस्पॉन्स अप्लाई करते हैं, ओपन लूप सिस्टम ये प्लांट होता है आपका। ठीक है, और उसका आप रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करते हैं, ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड में पी आई डी आपका लगा होता है। ठीक है, आप प्लांट लगा होता है यहाँ पे पी पी लगेगा, आई एंड डी को हम जीरो कर देंगे। ठीक है, और ये फीडबैक लगा होगा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द क्लोज लूप सिस्टम रिस्पॉन्स, क्लोज लूप मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आई एंड डी को निकाल लेंगे, सिर्फ प्रोपोर्शनल होगा और फिर आप इसका रिस्पॉन्स लेंगे, स्टेप रिस्पॉन्स, स्टेप इनपुट अप्लाई करेंगे और उसका रिस्पॉन्स आप रिकॉर्ड करेंगे। इनिशियली मे बी इट इज लाइक दिस, लेकिन आप फिर क्या करेंगे, अगर इस तरह आ रहा है तो पी को आप इंक्रीज करते जाएंगे ग्रेजुअली, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ पी। अब पी की वैल्यू इंक्रीज करने से क्या फर्क पड़ेगा, पीछे हम पढ़ के आए, पी आप इंक्रीज करते जाएंगे तो ओवरशूट इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, सिस्टम फास्ट होता जाएगा, इट मीन ये ऐसे हो जाएगा प्रॉबली, फिर अगर ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, मजीद इंक्रीज करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, एंड एट सम वैल्यू इट वुड बिकम मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, सस्टेंड ऑसिलेशन से बेस होंगी, और अगर मजीद बढ़ाएंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा एंड इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ऑसिलेशन से बेस होंगे। ठीक है, तो इन दिस मेथड व्हाट वी डू कि हम के पी लगाते हैं प्लांट के साथ। ठीक है, एंड यूजिंग द प्रोपोर्शनल कंट्रोल ओनली इंक्रीज के पी फ्रॉम जीरो टू क्रिटिकल वैल्यू ऑफ गेन, जीरो से इंक्रीज करेंगे टू द क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू कौन सी थी, जहाँ पे सस्टेंड ऑसिलेशन आए, जहाँ पे सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाए, दैट वैल्यू ऑफ के पी इज कॉल्ड के पी आर। अब ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे के पी की वैल्यू, और वहां पे आप स्टॉप करेंगे जहां पे ऑसिलेशन आना शुरू हो जाए प्लांट में, या सस्टेंड ऑसिलेशन शुरू हो,
दैट वैल्यू ऑफ केपी विल बी के सी आर, ठीक है। और अगर आउटपुट किसी भी वैल्यू ऑफ के पे सस्टेंड ऑसिलेशन प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो इट मीन्स यू कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड, राइट। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी के इस तरह के प्लांट भी हों जिस पे दोनों मेथड अप्लाई ना हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। तो उसके लिए फिर दूसरे मेथड यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम है अगेन, जी ऑफ एस इक्वल टू टेन अपॉन एस इंटू एस प्लस वन, ठीक है। अब इस मेथड में इंटीग्रेटर है तो फर्स्ट मेथड अप्लाई नहीं होगा। अब सेकंड मेथड अप्लाई होगा, वो हम चेक करके देखेंगे। ये सपोज इसका रूट लोगे ये बनेगा, ठीक है। अब ये वाई एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर रहा फॉर एनी वैल्यू ऑफ के, तो ये कभी सस्टेंड ऑसिलेशन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। तो दिस पर्टिकुलर सिस्टम पे आपका ना फर्स्ट मेथड अप्लाई हो रहा है ना सेकंड मेथड अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर कोई और मेथड अप्लाई होगा। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो रूट लोकस अगर आपके पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, तो आप रूट लोकस ड्रॉ करके बता सकते हैं कि इसकी जो ऑसिलेशन है वो कहाँ पे आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम है और इसका रूट लोकस ये है, तो आपको पता है कि हियर यहाँ पे ये बिल्कुल क्रॉस कर रहा है वाई एक्सिस पे, जहाँ पे ये सस्टेंड ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे जो के की वैल्यू होगी दैट वुड बी के सी आर, वो आप मालूम कर सकते हैं फ्रॉम द रूट लोकस, फ्रॉम द मैग्नीट्यूड कंडीशन, यूजिंग रूट अरबिट, न्यूमरस मेथड जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको के सी आर की वैल्यू मालूम करनी है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। अगर मैथमेटिकल मॉडल पता है तो तब भी कर सकते हैं, लैब में भी आप कर सकते हैं दोनों तरीके से, लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के सी आर। इन फर्स्ट मेथड यू नीड टू फाइंड आउट सी एंड एल, ठीक है। अब के सी आर आपको मिल गया, तो आप जो सस्टेंड ऑसिलेशन हैं वहाँ पे पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आप मालूम कर सकते हैं, एंड देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। रूट लोकस से आपको फ्रिक्वेंसी मिल जाती है, रूट लोकस जैसे आप ड्रॉ करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको के की वैल्यू भी मिल जाती है, और जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहा है दैट इज बेसिकली द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जे ओमेगा होता है, वहाँ से आप पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं आराम से। एक्सपेरिमेंटली अगर आपके पास ऑसिलेशन हैं तो रिकॉर्डिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें से आप उसकी फ्रिक्वेंसी मेजर कर लें। फॉर एग्जाम्पल ऑसिलोस्कोप पे आप देख रहे हैं, ऑसिलोस्कोप पे जो वेव साइनसोइडल वेवफॉर्म आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी आप कैलकुलेट कर लें, एंड फ्रॉम द फ्रिक्वेंसी यू कैन कंप्यूट द टाइम पीरियड, ठीक है। तो यू नीड के सी आर एंड पी सी आर, ठीक है। के सी आर और पी सी आर चाहिए, और ये दो वैल्यूज यूज करके आप टेबल टू यूज करेंगे, और आप के पी पी आई एंड पी डी की वैल्यूज यूज मालूम कर सकते हैं। You don't have to memorize this table, of course. ये table you can use it anywhere. याद करने की जरूरत नहीं है इसको. For example, KP सिर्फ proportion controller use कर रहे हैं तो उसकी KP की value 0.5 KCR होगी. PI use कर रहे हैं तो accordingly you can find out the values. ठीक है. The thing is how to find out the value of KCR and PCR. ये दो वैल्यूज आपको मालूम करनी है एक्सपेरिमेंटली, या फिर अगर ट्रांसफर फंक्शन पता हो फिर तो बड़ी आसानी से आप विदाउट गोइंग इनटू द लैब यू कैन फाइंड आउट यू नो फ्रॉम द मैथमेटिकल मॉडल। अब ये एक दो एग्जांपल्स हैं, लैब में आप परफॉर्म करेंगे तो ये बड़े अच्छे तरीके से आप कर लेंगे। थ्योरेटिकली जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन पता है तो ट्रांसफर फंक्शन से आप सिमुलेट कर सकते हैं ओपन लूप रेस्पॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफर फंक्शन है सिस्टम का, जो प्रैक्टिकल ट्रांसफर फंक्शन, प्रैक्टिकल ट्रांसफर फंक्शन में थोड़ा टाइम लेग होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफर फंक्शन में थोड़ा टाइम लेग होगा, उसको भी यहाँ पे सिमुलेट किया हमने, और इस तरह का ये आपके पास रिस्पॉन्स आएगा तकरीबन, ठीक है। तो उसमें आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये ग्रीन वाली जो है जो इन्फ्लेशन पॉइंट को क्रॉस करे, और फिर उस रेस्पॉन्स से आप जो है वो टी एल एंड टी की वैल्यू निकाल लें। ये एल होगा, सॉरी दिस इज एल एज पर द टेबल वन जो मैंने आपको दिखाया, और ये टी होगा। एल एंड टी की वैल्यू निकाल लें फ्रॉम द
एंड देन यू आर यूजिंग PID कंट्रोलर. अब कैसे पता चले आपको PID कंट्रोलर चाहिए या PD चाहिए, PID चाहिए या प्रोपोर्शनल चाहिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि आप कौन से पैरामीटर इंक्रीज कर रहे हैं. उसके लिए आप टेबल जो मैंने इससे पहले दिखाया था बिफोर द ट्यूनिंग पार्ट, उस टेबल को आप देख के डिसाइड कर सकते हैं कि PID में से आपको कौन से कंपोनेंट चाहिए टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल 10/3s + 1e−2s ये ट्रांसफर फंक्शन है, और इसका जो है हमने मैटलैब पर करेंगे तो थोड़ा आइडियल किस्म का आता है रिस्पॉन्स. ठीक है, जो लेग टाइम है वो बिल्कुल वहाँ पे जीरो रिस्पॉन्स होता है और आफ्टर लेग टाइम ये बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है. लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता, एक्सपेरिमेंटली ग्रेजुअल ट्रांजिशन होती है. जैसे ये मैटलैब वाला है, ब्लू कलर वाला, ये एक्चुअल हमने उसको अप्रोक्सीमेट कर दिया. ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन आप रफली कर सकते हैं क्योंकि जो वैल्यूज आएंगी PID कंट्रोलर की टेबल से वो एक्यूरेट वैल्यूज नहीं होंगी. दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ दिस ग्राफ, राइट. वो वैसे ही गैस वैल्यूज है, तो आप अप्रोक्सीमेशन से यहाँ पे कर सकते हैं लेकिन नॉट टू मच अप्रोक्सीमेशन, राइट. बिल्कुल क्लोजर अप्रोक्सीमेशन हो जिसका कोई वैलिड रीजन भी हो. जैसे कि आपको पता है कि मैटलैब क्योंकि आइडियल सॉफ्टवेयर है तो वो लेग टाइम, लेकिन इन एक्चुअल जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ होती है. ठीक है, तो ये ट्रांजिशन को हमने स्मूथ कर दिया और ये आपका रिस्पॉन्स आ गया. अब यहाँ पे इन्फ्लेशन पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें, ये जो है आपका दैट वुड बी एल, और ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी, ये जो वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा टी एंड दैट वुड बी एल. और फिर आप टेबल यूज करके इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए यू कैन डिजाइन द PID कंट्रोलर और ट्यून द PID कंट्रोलर. ठीक है, ये फर्स्ट मेथड था. अब सेकंड मेथड में इफ यू नो द ट्रांसफर फंक्शन इट्स बेटर, या तो लैब में आप चले जाएं और प्रोपोर्शन गेन को इंक्रीज करते जाएं, जहाँ पे ऑसिलेशन आना शुरू हो वहाँ पे आप रिकॉर्ड करके उसकी गेन भी नोट कर लें और आप उसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर लें. या फिर अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है सिस्टम का तो आप ये थ्योरेटिकली या सिमुलेशन में या आप पेपर पे ये वैल्यूज मालूम कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन है 1/(s+1)(5), तो इसका रूट लोकस अगर ड्रॉ करें रफली तो एक पोल 0 पे है, एक पोल -1 पे है एंड थर्ड पोल इज -5. इसका रूट लोकस जो होगा यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट होगा, इट वुड गो इनटू द कॉम्प्लेक्स प्लेन, फिर यहाँ पे क्रॉस कर लेगा तीसरी ब्रांच यहाँ पे जाएगी. ठीक है, तो हमें पता है कि इस पॉइंट पे ये मार्जिनली स्टेबल होगा. दिस इज द पॉइंट वेयर के जो है